गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ कक्षा आठवीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 26, तिथि 24/12/2020 के लिए आई है। घन के अभाज्य गुणनखंड, जो घन होता है उसके अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं और करने के बाद में कैसे पता लगाएंगे कि वो यानी कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं तो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा। तो किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होते हैं तो उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, 500 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 5 × 5, तो ये उसके फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स को, ये फैक्टर्स जो आए यानी कि 2 और 5 क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं से जो संख्या भाग होती है, जो संख्या भाग करनी होती है हमें, वो अभाज्य संख्याओं से भाग करनी होती है, बाकी किसी और संख्या से हम भाग नहीं करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं से भाग करने वाली संख्याओं को ही क्या क्या कहा जाता है, उन गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। आगे यहाँ पर अगला है, चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों ही गणित का क्लब के सदस्य हैं, शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना, तो ये आप लिखें। नंबर यहाँ पर चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू, क्या? चिंटू कह रहा है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 है, तो इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंडों में 2-3 बार आता है, 2-3 बार आता है। चिंटू, हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन संख्याओं को, हम क्या कहते हैं? घन संख्या। पिंटू, तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्या हो? तो चिंटू, नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट, यानी कि उनका 3 में जोड़ा बनना जरूरी है। आगे, यानी 3 का समूह होना चाहिए। जैसा 216 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो इनके 3-3 के जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ 2 तथा 3 भी 3 बार आया है, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। 500 के फैक्टर करते हैं तो 500 के अभाज्य गुणनखंड ये होते हैं, 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ये भाग करते हैं। पहले 2 से भाग किया तो 250 आ गया, फिर 2 से किया 125 आ गया, फिर 5 से भाग होगा, फिर 25 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, या ना करो तो यहाँ तक जो ये 5 लास्ट में आएगा तो ये भी काउंट उसमें होगा। आगे, हाँ, वेलकम टू मैथ्स क्लब यहाँ लिखा हुआ है। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो इन संख्याओं का आप खुद निकालेंगे और कुछ संख्या नीचे दी गई है तो उनका निकाल के मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हों उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी बीमाई 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं, तो वह इस प्रकार के बक्से का उपयोग करके एक घन बनाना चाहते हैं। तो घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? हल, घनाभ का आयतन बराबर 15 × 30 × 15, यानी कि 3 × 5 × 2 × 3 × 5 × 3 × 2, तो ये इसके फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए। तो इसका मीन्स यानी कि 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो इसका मीन्स ये हो गया कि 5-5 के तो जोड़े बन रहे हैं और 3 के जोड़े बन रहे हैं, सिर्फ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक ही बार आया है। 2 कितनी बार आया? सिर्फ 1 बार आ रहा है यहाँ पर, और बाकी में ये 3-3 बार आ रहे हैं। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 2 × 2 की ज़रूरत होगी, यानी कि जोड़े बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 3 × 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार राम को 2 × 2 = 4 बक्सों की ज़रूरत होगी। तो आगे, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? कौन सी पूर्ण घन संख्या है? तो 216, 1000, ये 10,729 और 4000, ये सॉरी 2000
25 और 15625। तो इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कोविड से संबंधित जो आपको संदेश दिया जा रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन, देश कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का उपयोग अवश्य करें। तो ये जो सवाल दिए गए हैं इन सवालों को मैं आगे नेक्स्ट शीट पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर अगर हम यहां पर 216 के फैक्टर करते हैं, तो 216 के फैक्टर करते हैं, तो यहां पर आप देखिए 216 को सबसे पहले हम 2 से भाग किया 108 आ गया, फिर हम 2 से भाग किया 54 आ गया, फिर 2 से भाग किया 27 आ गया, फिर 3 से भाग किया 9 आ गया, फिर 3 से भाग किया 3 आ गया। अब यहां पर ये यानी कि घन संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 3 का जोड़ा हमारा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यानी कि ये पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर दूसरे में आप देखें 10,000 की बात कर रहे थे, 2 से हमने भाग किया 5,000 आ गया, फिर 2 से भाग किया 2,500 आ गया, फिर 2 से भाग किया 1,250 आ गया, फिर 5 से भाग किया या 2 से भाग किया 1,250 को, तो ये 625 आ गया, फिर 5 से भाग किया 125 आ गया, फिर 5 से भाग किया 125 को, तो यहाँ पर 25 आ गया, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब हम जोड़े बना रहे हैं तो ये हमारा जोड़ा बन रहा है, ये हमारा जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 2 और नीचे जो 5 आ रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 5 का और इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यानी कि हमें इनके जोड़े बनाने के लिए अब यहाँ पर यही पूछा है कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो क्योंकि यहाँ पर इनका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। आगे यहाँ पर तीसरा सवाल है 729 के पहले फैक्टर किए, 3 से भाग होता है 243 बार, फिर 3 से भाग किया 81 बार, फिर 3 से भाग किया 27 बार, फिर 3 से भाग किया 9 बार और फिर 3 से भाग किया 3 बार। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 3 के जोड़े आपके बन जाते हैं, तो ये पूर्ण घन संख्या होगी। आगे समझ में, आगे यहाँ पर आपको 2 सवाल और दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 सवालों को मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर 2025 था, तो इसको 5 से भाग किया 405 आ गया, फिर 5 से भाग किया 81 आ गया, फिर 3 से भाग किया 27 आ गया, फिर 3 से भाग किया 9 आ गया, फिर 3 से भाग किया 3 आ गया। तो या तो पहले 3 से भाग कर लेते फिर 5 से भाग कर लेते, तो किस तरीके से भी कर लो वो भाग होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप जोड़े की बात करें तो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा और इन दोनों 5 के जोड़े नहीं बन रहा, क्योंकि 3 के जोड़े बनने चाहिए, 3 का समूह बनना चाहिए, तो 3 का समूह यहाँ पर नहीं बन रहा, इस 3 का नहीं बन रहा और इस 5 का भी समूह नहीं बन रहा है। आगे 5 की बात करें तो 5 से अगर हम 15625 को भाग करते हैं 5 से, तो 3125 आता है, फिर 5 से भाग करेंगे 625, फिर 5 से भाग किया 125, फिर 5 से भाग किया 5 और फिर 5 से भाग किया 25 आ गया और 5 से भाग किया ये 5 आ गया। तो यहाँ पर इनके जोड़े यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, तो इनके जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ आ जाती है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर अब आपने जो निकाला, तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई, जहाँ पे ये विषम संख्या आ रही है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, यानी कि डिजिट जो अंक हैं वो 3 और 5 आ रहे हैं, तो ये पूर्ण घन संख्या हो रही है, लेकिन जिनमें ये हमारे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे ये विषम है तो इसलिए आ रहा है। लेकिन अब यहाँ की बात करें इस वाली संख्या की, तो इस वाली संख्या में यहाँ पर 4 जीरो आ रही हैं, 3 जीरो आएंगी तो पूर्ण घन होगा, 6 जीरो आएंगी तो पूर्ण घन होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है, 4 संख्या 4 जीरोज हैं, तो इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। यहाँ पर 4 डिजिट आ रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, सिंपल वे में अगर हम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट पे क्या आपको कहा गया है, तो पहला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से उन संख्याओं को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या बननी चाहिए, तो पूर्ण घन संख्या कैसे बनेगी, तो 243 को सबसे पहले हम भाग करते हैं 3 से, तो 81 आता है, फिर 3 से भाग किया 27 आता है, फिर 3 से भाग करते हैं 9 आता है, फिर 3 से भाग करते हैं 3 आता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 3 के जोड़े बन जाते हैं, इस 3 का जोड़ा नहीं बनता है, 1 3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 3। इसी तरीके से आप यहाँ 72 का करते हैं, तो इनके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 3 × 3 आएंगे, तो यहाँ पर 2 के तो जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस संख्या में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अब यहाँ 1188 को अगर भाग करते हैं, तो इसके जोड़े जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11, ये आ जाता है, तो यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा और 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हमें 1 2 चाहिए और 2 11 चाहिए, 11 × 11 ये हमें चाहिए, तो
यानी कि हमें 11 11 121 और 121 को आप 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 2, 2 दुनी 4 और 2 एकम 2, 242 से आपको क्या करना है इस संख्या को गुणा करना है तो पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। गुणा की बात की जा रही है, भाग की नहीं की है। भाग की अगर करते तो यहाँ पर जो ये 2 आ रहे हैं और ये 11 आ रहा है इससे हम इसको भाग कर दें, यानी कि 44 से हम भाग कर देते। आगे यहाँ पर 392 जो आ रहा है तो अब इसका 392 के हमने फैक्टर किए तो 2 गुणा के 2 गुणा के 7 गुणा के 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 के जोड़े बन रहे हैं और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 7 के जोड़े बनाने के लिए 1 7 हमें और चाहिए, कितना चाहिए 1 7 की आवश्यकता और होगी, तो हमें इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो आगे यहाँ अगले वाले 128 की बात करें तो इसके फैक्टर करते हैं, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 ये आ जाता है और गुणा के 2, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तभी हमारा पूरा करेक्ट आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक, आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।